प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने बच्चों के शारीरिक और बौद्धिक विकास को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्रों पर अंडे से बने पौष्टिक आहार का फरमान जारी कर दिया, जिसके विरोध में खरगोन जिले का जैन समाज सड़कों पर उतरा और आदेश को वापस लेने के नाम पर पूज्य भगवान के चरणों में ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जैन समाज ने मीडिया से खास बातचीत में सरकार के आदेश को तुगलकी फरमान बताया और विरोध स्वरूप रैली के माध्यम से शाकाहार भोजन के नाम पर लोगों को प्रेरित किया। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। अखिल भारतीय जैन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री महेश जी डाकोलिया के नेतृत्व में खरगोन श्री संघ के द्वारा, जिसमें स्थानक वासी श्री संघ, मूर्ति पूजक श्री संघ, दिगंबर जैन समाज, जागृति महिला मंडल, नमीना जैन महिला मंडल और त्रिशला जैन महिला मंडल सहित हमारे अनुपाठशाला के बच्चे ने जो सरकार की योजना है कमलनाथ जी एवं इमरती देवी के द्वारा, महिला एवं बाल विकास के द्वारा जो घोषणा की गई है कि पाठशाला के बच्चों को, आंगनबाड़ी के बच्चों को अंडे परोसे जाएंगे। चूँकि मध्य प्रदेश का अधिकांश समाज शाकाहारी समाज है और पिछली सरकारें भी इस बात को पालती रही है, उसका अनुपालन करती रही है, लेकिन वर्तमान में कमलनाथ जी की सरकार के द्वारा ये जो निर्णय लिया गया है, ये तानाशाही भरा निर्णय है, तुगलकी निर्णय है। हम समस्त जैन समाज और समस्त शाकाहारी समाज इस निर्णय का विरोध करते हैं। इसीलिए कल हमारे श्री संघ के समाजजनों ने माननीय SDM कार्यालय में ज्ञापन दिया। उसी कड़ी में आज हम भगवान के चरणों में, नमीना दादा के चरणों में हम ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे। चूँकि धर्म, संस्कृति और संस्कार को बिगाड़ने की, भ्रष्ट करने की जो मध्य प्रदेश शासन की मंशा है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जन भावनाओं का सम्मान करते हुए मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया है, वह निर्णय वापस लेंगे। ललित जैन, कार्यवाहक अध्यक्ष, श्री संघ खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।